हेलो दोस्तों, मैं हूं तारिक अख्तर और ये आज जावा का सेकंड ट्यूटोरियल है। तो हमने पहले ट्यूटोरियल में जावा के बेसिक्स इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जानेंगे कि क्लास क्या होता है और बेसिकली कमांड लाइन आर्गुमेंट जो ये होता है इसके बारे में जानेंगे। स्टैटिक कीवर्ड के बारे में जानेंगे, पब्लिक कीवर्ड के बारे में जानेंगे और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट डॉट एलएन। तो हमने जो लास्ट प्रोग्राम में ये एक प्रोग्राम लिखा था लास्ट ट्यूटोरियल में अपने, अगर आप नहीं देखे अभी तक तो वो ट्यूटोरियल को जरूर देख लें। तो क्लास क्या होता है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो क्लास होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? प्री डिफाइंड डेटा टाइप अगर आप लिखते हैं लाइक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ए, ये हुआ प्री डिफाइंड डेटा टाइप। इसको कहते हैं इंट, जो भी हम लोग डिफाइंड करते हैं बी, ये सब प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ये सब प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है? तो ये सब प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट हम इसे कहते हैं, मतलब जो पास करेंगे कमांड लाइन से, जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं उस वक्त अगर कुछ पैरामीटर पार करेंगे तो ये क्या करता है ना, ये पैरामीटर ये रिसीव करता है। ये बेसिकली सिंटैक्स भी होता है जावा का। अगर आप इसे यूज नहीं करेंगे तो जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। जावा का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर आप C++ या C++ पढ़े होंगे तो वहां पे मेन मेथड से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता था, मतलब वहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चालू करता था। वैसे ही जावा में भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूट करता है वो मेन मेथड से ही करता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ जो फर्स्ट है ये मेरा क्लास का नाम है, मतलब ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है? फर्स्ट ये पब्लिक कीवर्ड, पब्लिक का मींस होता है कि ये जो मेथड जो भी है ये तो बाय डिफॉल्ट मेथड, मतलब ये है। अगर हम कुछ और भी मेथड बनाएंगे, जैसे कि अगर हम कुछ और भी मेथड बनाते हैं पब्लिक, लेट से मेथड का नाम है वॉइड होता है रिटर्न टाइप, और हमने एक सम मेथड बनाया है, ठीक है? तो सम मेथड के अंदर अगर हम कुछ करेंगे तो ये पब्लिक मेथड है, मतलब ये क्लास के बाहर से भी कॉल हो सकता है। तो उसके अंदर हमने कुछ, ये तो मैंने ऐसे ही डिस्प्ले लिख लेता हूँ, मेथड का नाम डिस्प्ले रख देता हूँ, डिस्प्ले, ठीक है? तो इसके अंदर अगर हम कुछ भी, ये तो ये पब्लिक मेथड है, ठीक है? तो इसको हम क्लास के बाहर से भी कॉल कर सकते हैं। क्लास के बाहर से कॉल करने के लिए पब्लिक के होने से ये बाहर से कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो हम डायरेक्टली क्लास का नाम से कॉल कर सकते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड्स लगा देने से किसी भी मेथड में वो नॉट बिलोंग्स टू एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली बिलोंग्स टू ए क्लास करता है। अब जैसे मैथ फंक्शन होता है, तो मतलब कि अगर हम इसको कॉल करना चाहेंगे मेथड को, जिस भी मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे, ये तो समझ लीजिए एक तरह का सिंटैक्स है। लेकिन अगर आप कोई मेथड बनाते हैं, जैसे मैंने ये मेथड बनाया, अगर हमने इसमें स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे, सपोज लगा ही देते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। स्टैटिक कीवर्ड लगा दिए, ठीक है? वॉइड डिस्प्ले, तो ये क्या करेगा, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एलएन, एलएन मींस होता है न्यू लाइन, न्यू लाइन में प्रिंट। हम चाहें तो प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट सेम लाइन में प्रिंट करेगा। यहाँ लिख देते हैं दिस इज ए डिस्प्ले मेथड, ओके। और हर लाइन को कंप्लीट होने के बाद उसमें लास्ट में सेमी कॉलन लगाना जरूरी होता है। ये जावा मतलब सिंटैक्स होता है जावा प्रोग्राम का। आप इसी तरह से जावा का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो आइए कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का भी एक हम लिख लेते हैं। SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है? मैंने लिख लिया, तो उसके अंदर मैंने लिख दिया ये कमांड लाइन आर्गुमेंट, मतलब CMD आर्ग्यूमेंट्स, ओके। तो अगर हम इसमें प्लस ARGS, एरे का पहला एड्रेस होता है 0, क्योंकि यहाँ पे हम लूप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लूप हम फ्यूचर में बताएंगे आपको कि लूप कैसे यूज करेंगे, लूप के बारे में बात करेंगे। तो
तो अगर हम कमांड लाइन से कुछ भी आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो ये लाइन प्रिंट कर देगा, और एल एन मीन्स नेक्स्ट लाइन में, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट करेगा। तो आइए हम चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को। पहले सेव करना इसे ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद इसे कंपाइल करना पड़ेगा। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से, क्योंकि हम नोट पैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा प्रोग्राम जहाँ पे वहाँ पे जाना पड़ेगा। हम एफ ड्राइव में अपना प्रोग्राम रखे हैं, तो एफ ड्राइव में जाते हैं, उसके बाद सी डी फॉर चेंज डायरेक्टरी, और उसके अंदर मैंने तारीख फोल्डर के अंदर रखा है प्रोग्राम, फिर सी डी और एक जावा फोल्डर, उसके अंदर मेरा प्रोग्राम है। तो डी आई आर मार के चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है फर्स्ट, ठीक है। आपको हम ग्राफिकल वे में भी दिखा देते हैं। डेस्कटॉप दिस पीसी मतलब माई कंप्यूटर, एफ ड्राइव में गए, देखिए ये तारीख फोल्डर, उसके अंदर जावा के अंदर ये फर्स्ट है। तो ये तो मेरा बाइट कोड है, चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं आपको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। जावा, जावा सी कंपाइलर है जावा का, फर्स्ट डॉट जावा, ओके। ये देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। तो कंपाइल होने से क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था, बाइट कोड जनरेट होता है, डॉट क्लास फाइल में सेव होता है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जावा क्लास फाइल को जनरेट कर लिया, इस प्रोग्राम से एक्सट्रैक्ट हो गया एक और मतलब डॉट क्लास फाइल, ये होता है। अब इसे इंटरप्रेट करना है, तो जावा उसके लिए होता है, ठीक है। अरे फर्स्ट हम यहीं से भी कुछ पैरामीटर पास कर सकते हैं, लाइक पास करते हैं पैरामीटर, हम अपना नाम ही पास कर लेते हैं क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में रखा हूं उसे। अगर हम इसे पास करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आप, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, उसके बाद ये मेथड कॉल नहीं हुआ क्योंकि मैंने कॉल ही नहीं किया था। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ, मैन मेथड से यहां पे आके खत्म हो गया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो देखा दोस्तों ये कैसे प्रिंट किया, जीरो एड्रेस में जो था मैंने जो कमांड लाइन आर्गुमेंट में पास किया था जीरो एड्रेस में वो यहां पे प्रिंट किया, ठीक है। थ्रू दिस हमने प्रिंट कर लिया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन सेकेंड एग्जीक्यूट किया, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया। उसके बाद मैंने अगर इस मेथड को हम लोग चाहते हैं कि प्रिंट करें तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। हमने जैसे कहा था कि एफ आई आर एस टी फर्स्ट डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है, ये कॉल हो जाएगा बिकॉज दिस इज बिलोंग्स टू ए क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट। स्टैटिक कीवर्ड का भी यूजेस आप समझ लीजिए। तो हम लोग इस प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं, सेव करने के बाद कंपाइल करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया है। फिर से हमने कंपाइल किया, अब हम फिर से प्रिंट करने वाले हैं, और इस बार हम कमांड लाइन में कुछ और पास करते हैं, 1 2 3, इसको भी एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। तो देखिए दिस इज ए डिस्प्ले मैथड, डिस्प्ले मैथड कॉल हुआ, कैसे कॉल किया हमने डिस्प्ले मैथड को, फर्स्ट क्लास के नाम से, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने उस मेथड से पहले स्टैटिक कीवर्ड लगाया था और उसका रिटर्न टाइप वॉइड दिया था, मतलब वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, वो एग्जीक्यूट होके खत्म हो जाएगा, और वो जो मेथड है वो पब्लिक है, पब्लिक मींस हम आउटसाइड ऑफ द क्लास भी कॉल कर सकते हैं। ये तो हमने इनसाइड कॉल किया है लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास भी कर सकते हैं, तो अगर इनसाइड हम कॉल कर रहे हैं तो हमें पब्लिक कीवर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम हटा भी देंगे पब्लिक कीवर्ड तब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और वही आउटपुट आएगा जो अभी था। इसको फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं जावा सी कंपाइलर से, देखिए प्रोग्राम आउटपुट वंस अगेन द सेम बिकॉज क्योंकि हम क्लास के अंदर से ही डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं, आउटसाइड से कॉल करेंगे तो अब ये डिस्प्ले मेथड कॉल नहीं होगा। तो ये मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये प्रोग्राम के थ्रू मैंने सब समझाया कि ए आर जी एस क्या होता है, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट। और याद रखिएगा दोस्तों, आप कुछ कमांड लाइन से पास करें या ना करें फिर भी आपको ये ए आर जी एस ये लिखना ही पड़ेगा, मतलब ए आर जी एस इज नॉट ए कंपल्सरी, ए आर जी एस की जगह आप चाहें तो ए भी लिख सकते हैं, ए आर जी एस होता है आर्गुमेंट फ्रॉम कमांड लाइन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वही लिखना पड़ेगा ए, देख लीजिए सेव, फिर से हम कंपाइल करते हैं एक बार प्रोग्राम को जावा सी कंपाइलर से, जावा आउटपुट इज द सेम। तो आप समझ ही गए होंगे ये तो सिंटैक्स है, यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा इसे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू हुआ, ये मेथड को कॉल किया, ये प्रिंट हुआ। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था जावा प्रोग्राम का, आप समझ गए होंगे कि जावा प्रोग्राम अब कैसे लिखना है।
एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी बहुत से टॉपिक को टच करेंगे. लूप के बारे में जानेंगे, कितने तरह के होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे. ठीक है, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक माई वीडियोज इफ यू लाइक. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.